जगतजननी मां अंबाना धाम अंबाजीमां हवे 11 मोटा पहाड़ों चीरी पहली वार ट्रेन पहुंचे, जेना माटे केंद्र सरकारना रेलवे मंत्रालयना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरे मोटी जाहेरात करी हती। तेमणे अंबाजी आबू रोड नवी रेलवे ने मंजूरी आपी होवानुं जणाव्युं हतुं। आ सूचित 116.65 किलोमीटर लांबी रेलवे परियोजनाथी तारंगा हिल, अंबाजी शक्तिपीठ अने आबू रोड सुधी रेल कनेक्टिविटी मळशे। एटलुं ज नहीं, नवी रेल परियोजना तैयार थता अमदावाद आबू रोड रेलवे लाइनों वैकल्पिक रेलवे रूट मळशे। अंदाजे रुपया 2798.16 करोड़ना खर्चे रेलवे परियोजना 2027 सुधी में पूर्ण कराशे। तारंगा अजितनाथजीनी मंदिरनी मुलाकाते वर्षे लाखों श्रद्धाळुओ आवे छे। 51 शक्तिपीठमाना एक एवा अंबाजी तीर्थस्थळना विकास माटे भारत सरकारनी प्रसाद योजनामां तेनो समावेश करवामां आव्यो छे। परिक्रमा पथ अने लाइट एंड साउंड शो आकर्षणथी प्रवासन वधशे। दरमियान आवनारा वर्षोमां आद्यशक्ति धाम अंबाजी पहोंचवुं वधु सरळ बनशे। आ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर नजर करिए तो प्रोजेक्टनो अंदाजित खर्च रुपया 2798.16 करोड़ छे, जेमां 11 टनलोनुं निर्माण करवामां आवशे। आ रेलवे लाइन 116.65 किलोमीटरनी रहेशे अने तेनी पर 54 मोटा अने 151 नाना पुल निर्माण थशे। 8 ओवरब्रिज अने 54 अंडरपास पसार करीने आ रेलवे लाइन बिछाववामां आवशे। आ संपूर्ण प्रोजेक्ट 2026-27 सुधी पूर्ण करवानो निर्धार करवामां आव्यो छे। आजादी पहला दरबार शासन वखते तारंगाथी ट्रेन सेवा शुरू थई हती, जे साहूपुरा, टिंबा, सतलासणा, गोंडा, मेहसाणा जिल्लाना हदપુરી થઈ હતી, બનાસકાંઠાના રંગપુર પહોંચતી હતી, જ્યાં રેલના એન્જિન માટે પાણી લેવા કુવા પાસે રોકાતી હતી, જે કુવો આજે પણ મોજૂદ છે, જે બાદ ચોરાસણ ગોરાડ થઈ દલપુરા સુધી જતી હતી। જો કે રંગપુર પાસે આવેલા બે ડુંગર વચ્ચેથી તણખા ઝરતા આગ લાગવાની બનાવોથી નુકસાન ન જાય તે માટે રેલવેને અટકાવ્યું હતું અને પાટાઓ પાછા ઉખાડી દેવાયા હતા।